सोलन के कोटला नाला में देर रात स्कूटी और कार की टक्कर हो गई, जिसके चलते स्कूटी सवार कार के नीचे आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति की पहचान शौकत अली के नाम से हुई है, जो पेशे से एक व्यवसायी है। बताया जा रहा है कि शौकत अली की टांग में मल्टीपल फ्रैक्चर है, जिसके चलते उसे PGI रेफर कर दिया गया है। इस घटना की सूचना पुलिस को मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कोटला नाला में लगे जाम को खुलवाया। साथ ही मैं मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच में भी जुट गई है। दुर्घटना के बाद जागरूक ऑटो चालक उसे अपनी ऑटो में डालकर तुरंत अस्पताल ले गया। ऑटो चालक ने जानकारी देते हुए बताया कि वह सवारी लेकर जा रहा था, तो अचानक उसने देखा कि एक व्यक्ति कार के नीचे आ गया है, तो आसपास के लोगों ने कार को ऊपर उठाकर नीचे से घायल व्यक्ति को निकाला और वह अपने ऑटो में डालकर घायल व्यक्ति को अस्पताल ले गया। ऑटो चालक ने बताया कि जिस कार के नीचे व्यक्ति आया है वह कार नई ऑल्टो कार थी। मैं सवारी लेकर शांति की तरफ जा रहा था, तो वहाँ पे देखा मैंने कि ये गाड़ी के नीचे पड़े हुए थे, तो लोग आए और उन्होंने गाड़ी उठाई और मैं ऑटो में लेके इनको हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। हाँ, चोटें ज़्यादा लगी है इनको, एक तो टांग में लगी है और चेस्ट में और बाजू में लगी है इनके। गाड़ी के नीचे थे ये, गाड़ी इनके ऊपर थी और फिर लोगों ने, काफ़ी सारी जनता वहाँ पर खड़ी थी, उन्होंने गाड़ी को उठाया और फिर गाड़ी के नीचे से इनको निकाला और तब मैं ऑटो में लेके इनको हॉस्पिटल ले आया हूँ। नहीं सर, अभी ये एग्जैक्ट आइडिया तो है नहीं, ये पता भी नहीं कि स्कूटी पे थे या पैदल थे, ये पता भी नहीं अभी एग्जैक्ट। तो इसके बाद जब वो पुलिस प्रशासन आएगा, वो सामने ही थे वहाँ पे, उन्होंने केस को संभाला है, तो उनसे भी आके पता लगेगा कि भाई क्या हुआ है। लाइव टाइम्स टीवी के लिए सोलन ब्यूरो की रिपोर्ट। त्योहारों के सीजन में भूषण ज्वेलर्स अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है स्वर्ण समृद्धि योजना। 10 सितंबर से 14 सितंबर तक तो आज ही भूषण ज्वेलर्स से खरीदे शुद्ध सोने, हीरे व चांदी के आभूषण और पाएं 2.5 लाख रुपए तक की ज्वेलरी। 2 विजेताओं के लिए दुबई टूर, 3 स्कूटी, 5 32 इंच की LED टीवी और 5 वॉशिंग मशीन व अन्य ढेरों इनाम। आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार सोलन। संपर्क करें 01792221404। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।